दिल्ली में आम आदमी पार्टी विधायकों की बात करें तो उनकी बैठक हुई और खबर यह है कि आम आदमी पार्टी नेतृत्व का सभी विधायकों से संपर्क हो गया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, जहां बैठक से शुरू होने से पहले ही दिलीप पांडे ने बताया था कि 5 से 6 विधायकों से संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन अब खबर है कि सभी विधायकों से संपर्क साधा जा चुका है और आम आदमी पार्टी के 53 विधायक मीटिंग में पहुंचे हैं। 1 विधायक रास्ते में है और 8 विधायक दिल्ली के बाहर हैं, जिनमें 1 सत्येंद्र जैन है, मनीष सिसोदिया हिमाचल प्रदेश में है, रामनिवास गोयल अमेरिका में है। जो विधायक बाहर हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो जुड़ेंगे। तो आम आदमी पार्टी का आरोप है 40 विधायकों को तोड़ने की कोशिश हुई। ये देखिए तस्वीर आ गई है और किस तरह से नंबरिंग करके भी हम दिखा रहे हैं आपको, आप नजर डालिए, पूरी संख्या आपको नजर आ रही है और जो लोग बाहर हैं उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी ने संपर्क साधा है। तो ये बड़ी खबर, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन भी इस बीच, ये भी अपने आप में देखने की बात हो रही है। दिल्ली में शराब की नीति को लेकर के बीजेपी एकाएक सड़कों पर है, बीजेपी हर इलाके के अंदर प्रदर्शन कर रही है। आप देख सकते हैं बीजेपी आदेश गुप्ता यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आर के आश्रम मेट्रो स्टेशन के पास का पूरा इलाका है पहाड़गंज का, जहाँ पर बीजेपी जो है वो इस तरीके से प्रदर्शन कर रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का पुतला लेकर के यहाँ पर चल रहे हैं। आदेश गुप्ता हमारे साथ है। सर, प्रदर्शन जारी है लेकिन आरोप लग रहे हैं बीजेपी द्वारा विधायकों को खरीदने के, खरीद फरोख्त के, क्या एक बार दोबारा खरीद फरोख्त के आरोप लग रहे हैं बीजेपी? देखिए, जिन्होंने चोरी की है वो अपनी चोरी पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, तरह तरह के ड्रामे कर रहे हैं, मुद्दे को घुमाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए, दिल्ली की जनता का ध्यान भटकाने के लिए वो बातें कर रहे हैं। लेकिन आज दिल्ली और देश की जनता ये जानना चाहती है जो ईमानदारी का दम भरते थे, जो अपनी स्वराज पुस्तक में लिखते थे कि अगर कहीं भी शराब का ठेका खुलता है तो उसमें भ्रष्टाचार होता है, नेता और अफसर मिलकर खाते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी, ये बताइए कि आपने 850 ठेके खोले जिसमें हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया है, जो अब सामने आ गया है कि आपने उनका कमीशन 2.5% से बढ़ा के 12% किया, आपने उनको उनके लिए शराब की बिक्री ज्यादा हो इसलिए ड्राई डे की संख्या घटाकर 21 से 3 कर दी, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को भी ठेके दे दिए, और जब 25 अक्टूबर को एक्साइज डिपार्टमेंट जो आपका ही है उसने जब ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को सोकार नोटिस जारी किए तो आपने कोई कार्रवाई नहीं की। इसका सीधा अर्थ है कि शराब माफिया से मिलकर दिल्ली के खजाने को लुटाने का, चोरी करने का काम किया है आपने, और इसका जवाब आपको देना पड़ेगा, इस जिम्मेदारी से आप भाग नहीं सकते हो। तो इस पूरे प्रकरण को लेकर, पूरे बवाल को लेकर, शराब नीति को लेकर, सीबीआई जांच को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच किस तरह से जुबानी जंग देखने को मिल रही है, आइए आपको हम सुनवाते हैं, प्रतिक्रिया सुनिए। सर, जिन साथियों को संपर्क किया गया उनमें से एक से बातचीत हुई और उन्होंने बताया कि लगभग 40 विधायकों को तोड़ने की तैयारी चल रही है, और कल जो खुलासा किया गया माननीय सांसद संजय सिंह ने किया, उसमें जो आंकड़े निकल के आए उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 विधायक को खरीदने के लिए भारतीय जनता पार्टी 20 करोड़ रुपए ऑफर कर रही है। अगर 40 विधायक तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, तो 20 को 40 से जो अगर मल्टीप्लाई करें, वो मैथ्स देखें हम, तो लगभग 800 करोड़ रुपए जो है भारतीय जनता पार्टी, ये काला धन ही होगा, लेकर खड़ी है विधायकों को, दिल्ली के विधायकों को तोड़ने के लिए। ये समझ में आना चाहिए, अब दिल्ली की जनता और देश की जनता जानना चाहती है कि 800 करोड़ रुपए किसके हैं। रोज एक नया प्रपंच रचते हैं लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, कभी कहते हैं कि मेरे विधायक खरीदने की बात हो रही है, जहाँ मेरी सोसदी कहते हैं मेरे को खरीदने की बात, कभी लुकआउट नोटिस की बात करते हैं, रोज एक नया प्रपंच रचते हैं। आज उन्होंने कह दिया कि हमारी जो वहाँ पर सरकार पलटने का, तख्ता पलटने का मामला था वो विफल हो गया। तो मूल मुद्दे से लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। मूल मुद्दा है 144.36 करोड़ का जो आपने रेवड़ी बांटी, और ये झूठ बोलकर कि मैंने कोरोना काल के कारण से माफ किया, जबकि पॉलिसी लागू हुई 17 नवंबर में और कोरोना खत्म हो चुका था मार्च में पिछले साल, और नवंबर के बाद आपने वो रेवड़ी बांट दी लोगों को 144.36 करोड़ की, उसके बारे में बात